यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल का आज छठा दिन है। डॉक्टरों के एक दल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद भी कोई बात नहीं बनी। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उधर पूरे प्रदेश में हड़ताल की वजह से दर्जनों मरीज मौत के मुंह में चले गए। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है। डॉक्टरों की स्ट्राइक का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा है। सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर यूपी के डॉक्टरों के समर्थन में आ गए हैं। उधर यूपी का मेडिकल हब कहे जाने वाले वाराणसी में डॉक्टरों ने कामकाज बंद कर दिया और रैली निकाली, जबकि फिरोजाबाद में डॉक्टरों ने मुंह पर मास्क लगाकर कैंडल मार्च किया। बिना वारंट के प्रोफेसरों को पीटा गया है, उनके प्रिंसिपल को मारा गया है, सारे डॉक्टरों को धमकी दी गई है कि जान से मार दिए जाएंगे। ये इंसाफ है क्या डॉक्टरों का? क्या इसलिए हम मरीजों की सेवा करते हैं कि हमें ये सब प्रताड़ना सहनी पड़े? ब्रेन हेमरेज के हम लोग मरीज हैं, परसों से आए हैं हम लोग, और जूनियर डॉक्टर तो देखने ही नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या करें? लोग मारामारी पे उतारू हो जाते हैं। मरीज इलाज के अभाव में मर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के कानों में जू तक नहीं रिंग रही। प्रशासन कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भी डॉक्टरों के एक दल ने गुहार लगाई, मुलाकात में बात नहीं बनी, क्योंकि मामला खुद सीएम साहब के विधायक और चहेते अफसर से जुड़ा है। लिहाजा अखिलेश यादव ने आश्वासन की गोली देकर डेलीगेशन को चलता कर दिया। जांच में जो भी आएगा, चाहे हमारी पार्टी के विधायक हो और चाहे संबंधित कोई भी डॉक्टर हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उधर विपक्ष सरकार के रवैये पर जमकर विरोध कर रहा है।